स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन पुट फोर्थ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ऑल ऑफ दीज आर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नाउ। मीन्स बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं जो ये डिस्प्लेन करती हैं कि प्रोटोप्लाज्म का नेचर कैसा है, बट अब ये हिस्टोरिकल व्यू में हो गई हैं। जैसे पहला क्या है, रेटिकुलर थ्योरी दी गई है। प्रोटोप्लाज्म लाइक अ रेटिकुलम, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय हेंस्टीन। मीन्स जो रेटिकुलर थ्योरी है उसको हेंस्टीन ने दिया था और इसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि प्रोटोप्लाज्म कैसा है, रेटिकुलर है। एस लाइक देखिए, ये जो दिया गया हमारा, ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिया गया है। रेटिकुलर मीन्स नेट, नेट मीन्स जाल, जाल जैसा स्ट्रक्चर जो दिया गया हमारा, ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। और ये थ्योरी जो दी थी किसने प्रपोज की थी, ये थ्योरी प्रपोज की थी हेंस्टीन ने। दूसरा जो है हमारा वो फेवरलियर थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, प्रोटोप्लास्ट लाइक सिलेंडर थ्रेड्स। अब जो दूसरी थ्योरी दी गई है उसको हम लोग बोलते हैं फेवरलियर थ्योरी। इस थ्योरी को दिया किसने था, फ्लेमिंग ने दिया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमारे जो प्रोटोप्लाज्म है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक थ्रेड्स, लाइक धागों के समान हमारा प्रेजेंट है। तीसरी थ्योरी जो दी गई है वो ग्रेनुलर थ्योरी दी गई है। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ इन्यूमेरियल माइनट ग्रेनुल्स। इस थ्योरी को बताया गया क्या, अल्टमान ने दिया था हमारा। और इस थ्योरी में बताया गया कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा है, छोटे छोटे ग्रेनुल्स, माइनट ग्रेनुल्स से मिलकर बना हुआ है, उनसे हमारा प्रेजेंट है हमारा। लास्ट है हमारा अल्वियोलर थ्योरी दी गई है। प्रोटोप्लाज्म इज एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स डिस्पर्ड इन अनदर लिक्विड मीडियम। दिस प्रोटोप्लाज्म इज लाइक एन इमल्यूशन लगेगा हमारा, एंड दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय बेटली। इन्होंने ये थ्योरी हमारी दी थी जिसमें कहा गया था कि एक लिक्विड सोल्यूशन है, उस लिक्विड सोल्यूशन में ये ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। एक और दी गई है, लास्ट थ्योरी है कोलाइडल थ्योरी। दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड इज एडवांस बाय फीचर एंड हार्डी। फीचर एंड हार्डी ने इसको दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया गया है। कोलाइडल थ्योरी दी गई है जिस थ्योरी में बताया गया है कि जैसे कोई हेटरोजीनियस मटेरियल होता है या कॉम्प्लेक्स हेटरोजीनियस पॉली फेसिक कोलाइडल सिस्टम, यानी हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, वो एक कोलाइडल सोल्यूशन के रूप में है, कोलाइडल फॉर्म के रूप में है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है।